أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब सूरज की रोशनी लपेटी जाए और जब सितारे गिर जाए और जब पहाड़ चलाए जाए और जब 10 महीने की गाबन ऊंटनियां छोड़ दी जाएं और जब जंगली जानवर इकट्ठे हो जाए और जब समुंदर जोश दिए जाएं और जब जाने जिस्मों से मिलाई जाएं और जब जिंदा दरगोल लड़की से पूछा जाए कि किस गुनाह पर मारी गई थी और जब आमाल नामे खुल जाएं और आसमान का पोस्त उतारा जाए और जब दोजख दहकाई जाए और जब जन्नत करीब लाई जाए तो हर शख्स जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले सितारे की, सीधे चलने वाले गायब हो जाने वाले सितारों की, और कसम है रात की जब वो जाने लगे और कसम है सुबह की जब वो आने लगे। बेशक ये कुरान एक मुअज्जज रसूल का लाया हुआ है जो बड़ा ताकतवर है, अर्श के मालिक के नज़दीक बड़े रुतबे वाला है। वहाँ का सरदार अमानतदार है और तुम्हारा रफीक यानी रसूल कोई दीवाना नहीं है और उसने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर भी देखा है और वो गैब की बातों पर बखील नहीं है और वो किसी शैतान मर्दूद का कौल नहीं है। बस तुम कहाँ चले जा रहे हो, ये तो जहान भर के लिए नसीहत ही नसीहत है उसके लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे, और तो तुम तब ही चाहोगे कि जब अल्लाह चाहेगा जो तमाम जहान का रब है।